वीवी मीडिया आप लोगों का स्वागत करता है। आज की वीडियो में हम लेके आया हूँ मैं आपके सामने टॉप 10 बेस्ट मूवीज ऑफ द डिकेड 2010 एंड 19। 2010 से लेके 19 के बीच की मैंने 10 बेस्ट मूवीज की लिस्ट निकाल के आपके सामने मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लिस्ट आपको पसंद आएगी, और नीचे अगर कोई भी सुझाव या कोई भी आपके कमेंट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है न्यूटन। न्यूटन जो आई थी 2017 में। न्यूटन एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है अमित मसूरकर ने। फिल्म की कहानी न्यूटन नामक एक व्यक्ति की है जो एक सरकारी अफसर है, जिसे इलेक्शन की ड्यूटी पर आदिवासी इलाके में वोटिंग कराने के लिए भेजा जाता है। वहाँ पर उसे किस तरह का अनुभव आता है, इस पर फिल्म की कहानी आधारित है। फिल्म में इंडियन वोटिंग सिस्टम, इंडियन डेमोक्रेसी पर कटाक्ष डाला गया है। फिल्म में मुख्य भूमिका राजकुमार राव की है, जिन्होंने न्यूटन का कैरेक्टर निभाया है। उनके अलावा फिल्म में पंकज त्रिपाठी और संजय मिश्रा की भी सहायक भूमिकाएं हैं। न्यूटन फिल्म को हिंदी भाषा में बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। पंकज त्रिपाठी को नेशनल अवार्ड्स में स्पेशल मेंशन का अवार्ड दिया गया था। न्यूटन फिल्म 2017 के ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से भेजी गई। नंबर 9 पर है मराठी फिल्म फैंड्री। फैंड्री फिल्म आई थी 2013 में, जिसे डायरेक्ट किया है सैराट बनाने वाले डायरेक्टर नागराज मंजुले ने। नागराज की यह पहली फिल्म थी। फिल्म की कहानी जब्या नाम के स्कूली लड़के की है जो निचली जाति से है। उसे ऊपरी कास्ट की लड़की से प्यार हो जाता है। जब्या की फैमिली का काम सुअर पकड़ने का है। फिल्म में जाति व्यवस्था, निचले जाति में जीवन बिताने की कठिनाइयाँ, समाज का उनके प्रति देखने का दृष्टिकोण, एक लड़के की अपेक्षाएं और जीवन का संघर्ष, इन मुद्दों पर फिल्म में प्रकाश डाला गया है। इस फिल्म के लिए नागराज मंजुले को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। नंबर 8 पर है 2018 में आई फिल्म तुम्बाड़। तुम्बाड़ एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म थी। फिल्म को डायरेक्ट किया है राही अनिल बर्वे और आनंद गांधी ने। फिल्म 6 साल निर्माण में थी। फिल्म में मुख्य किरदार में सोम शाह है, जिन्होंने इस रोल को निभाने के लिए 8 किलो तक अपना वजन बढ़ाया था। फिल्म की कहानी 20वें दशक के शुरुआती दौर में घटित होती है। कहानी एक परिवार की है जो शापित है हस्तर से। किस तरह लालसा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है, इस पर आधारित फिल्म की कहानी है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, फिल्म की कहानी, सभी कलाकारों का परफॉर्मेंस, फिल्म का आर्ट डिज़ाइन, इन सारी चीज़ों में फिल्म लाजवाब लगती है। बारिश को भी फिल्म में एक पात्र की तरह यूज किया गया है। 7वें नंबर पर है विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर। हैदर फिल्म शेक्सपियर की हैमलेट पर आधारित है। विशाल भारद्वाज की यह तीसरी फिल्म है जो शेक्सपियर की किताबों पर आधारित है। इससे पहले उन्होंने मकबूल बनाई थी जो आधारित थी मैकबेथ पर, और ओमकारा जो आधारित थी ओथेलो पर। फिल्म में शाहिद कपूर, तब्बू, श्रद्धा कपूर और के मेनन की प्रमुख भूमिकाएं हैं। फिल्म की कहानी 90 के दशक के कश्मीर में घटित है, जो लापता लोगों पर आधारित है। हैदर फिल्म ने रोम फिल्म फेस्टिवल में पीपल चॉइस अवार्ड जीता था। ऐसा करने वाली हैदर पहली भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कारों में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर बिस्मिल गाने के लिए, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए अवार्ड दिया गया था। नंबर 6 पर है कन्नड़ा फिल्म तिथि। तिथि फिल्म आई थी 2015 में, जिसे डायरेक्ट किया राम रेड्डी ने। फिल्म की कहानी एक परिवार के 3 जेनरेशंस की है, जो अपने घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के मौत होने के बाद किस तरह का बर्ताव करते हैं। ये फिल्म आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस साबित हो सकती है, इतना इस सिनेमा का प्रभाव सिने दर्शक पर पड़ता है। ये फिल्म 68वें लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई, जहां पर इसने फिल्म मेकर्स ऑफ द प्रेजेंट कैटेगरी में गोल्डन लियोपर्ड जीता था। 63वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में इसने बेस्ट कन्नड़ा फिल्म का अवार्ड भी जीता था। 5वें स्थान पर है मराठी फिल्म कोर्ट। चैतन्य तामने द्वारा निर्देशित यह फिल्म आई थी 2014 में। इस फिल्म को साल का नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला था। भारत की ओर से ऑस्कर के लिए ऑफिशियल सिलेक्शन किया गया था। फिल्म की कहानी एक सोशल एक्टिविस्ट की है, जो अपने गानों से समाज प्रबोधन का
काम करता है। उनके गानों से प्रेरित होकर एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, इस तरह का आरोप कर उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनका केस कोर्ट में आता है। फिल्म में भारतीय न्याय व्यवस्था, कानून की जटिलता, कानून की कमजोरियाँ, इसे वास्तविक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। चौथे नंबर पर है 2013 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म द लंच बॉक्स, जिसे डायरेक्ट किया है रितेश बात्रा ने। फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं हैं इरफान खान, निमरत कौर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। फिल्म में इरफान खान एक मिडिल एज आदमी की भूमिका निभा रहे हैं। उनका कैरेक्टर एक नौकरी पेशा इंसान है जिसकी बीवी नहीं है। उसको एक दिन डब्बा वालों की तरफ से गलत टिफिन मिल जाता है जिसने ये डब्बा भेजा है, और इरफान खान का कैरेक्टर के बीच चिट्ठियों का सिलसिला शुरू होता है। ये नया रिश्ता कहाँ तक ले जाता है, ये फिल्म की कहानी है। फिल्म में इरफान और नवाज की एक्टिंग और उनका क्राफ्ट पर किया काम आंखों को भा जाता है। नवाज का बात करने का तरीका, निमरत कौर के घर के ऊपर की आंटी आपको कई दिनों तक याद रह जाती है। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है 2015 में आई फिल्म मसान। मसान, जिसे लिखा है वरुण ग्रोवर ने और डायरेक्ट किया है नीरज घेयावान ने। नीरज घेयावान, जिन्होंने सेक्रेट गेम्स 2 को अनुराग कश्यप के साथ मिलकर को डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म में दो कहानियां बनारस के घाटों पर समांतर रूप से घटित होती है। एक देवी की कहानी जिसे ऋचा चड्ढा ने निभाया है, और दूसरी कहानी है दीपक की जिसे विक्की कौशल ने निभाया है। फिल्म में कास्ट सिस्टम, बनारस के घाटों पर की जाने वाली अंत्यविधियां, स्त्री उत्पीड़न, प्रेम का अर्थ, इन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। नंबर 2 पर है क्राइम फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और 2। इस फिल्म को एक फिल्म के तौर पर ही बनाया गया था, पर कोई भी थिएटर वाले 5 घंटा लंबी फिल्म अपने थिएटर में नहीं लगाना चाहते थे, इसीलिए इस फिल्म को 2 भागों में विभाजित किया गया। फिल्म रिलीज हुई थी 2012 को। फिल्म के डायरेक्टर थे आज के बेस्ट डायरेक्टर में से एक अनुराग कश्यप। गैंग्स ऑफ वासेपुर भारतीय सिनेमा की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म की कहानी, फिल्म का डायरेक्शन, एक्टिंग, कॉस्ट्यूम, आर्ट डिज़ाइन, स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, इन सभी विभागों में फिल्म अव्वल दर्जे की साबित होती है। फिल्म को म्यूजिक दिया था स्नेहा खानवलकर ने, और फिल्म के गीत लिखे थे वरुण ग्रोवर और पीयूष मिश्रा ने। और आज की इस लिस्ट में नंबर 1 पर है शिप ऑफ थेसियस। ये फिल्म ही शायद इस दशक की सबसे बेहतरीन फिल्म हो सकती है। ये फिल्म 2012 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई थी। जुलाई 2013 को ये इंडिया में रिलीज की गई। फिल्म बनाई थी आनंद गांधी ने। फिल्म में 3 अलग अलग कहानियां हैं। पहली जो है वो ब्लाइंड फोटोग्राफर की है, दूसरी कहानी एक जैन मॉन्क की है, और तीसरी एक मारवाड़ी व्यापारी की है। फिल्म में व्यक्ति का जीवन के प्रति नजरिया, जीवन और मृत्यु का अर्थ, इन बातों पर गौर किया गया है। इस फिल्म को 2013 के नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म से सम्मानित किया गया। फिल्म की सबसे बेहतरीन जो बात है वो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी है। फिल्म में 5-5 मिनट तक के सिंगल शॉट्स है। फिल्म का नाम थेसियस पैराडॉक्स पर आधारित है। थेसियस पैराडॉक्स कहता है कि अगर किसी चीज के पुर्जे एक एक कर निकाल कर हर हिस्सा नया बदला जाए तो क्या वो जो पहले थी, तो ये थी इस दशक की हमारे हिसाब से 10 बेस्ट फिल्में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना।